ये पार्थर प्रथम प्रश्न पत्र मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि ऐसे नियम बनाते थे और जनता उन नियमों का पालन करती थी, उन नियमों को स्मृति कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि नियम बनाते थे और जनता उन नियमों का पालन करती थी, उन नियमों को स्मृति कहते हैं। समय समय पर देश की तथा जनता की आवश्यकता के अनुसार ये स्मृतियाँ बनती थी। स्मृति बहुत सी हैं, सबसे प्राचीन मनु की है। इसके बनाने वाले हमारे पूर्वज मनुष्यों के पुरखा मनु महाराज हैं, जिन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। यद्यपि जिस रूप में आज मनुस्मृति मिलती है वह पहले वाली मनुस्मृति नहीं है। उसका रूप क्या था इस समय कोई नहीं बता सकता, उसमें बहुत से परिवर्तन हो गए हैं, किंतु आरंभ में इसके कर्ता यही मनु हैं जो हमारे पूर्वज हैं। मनु कई हुए हैं। जिस मनु ने पहले पहले मनुष्य के लिए, उनके रहन सहन के लिए विधान और नियम बनाए, वे स्वयंभू मनु थे। इनके पश्चात समय समय पर और ऋषियों ने नियम बनाए, ठीक नहीं कहा जा सकता, किंतु आज से हजार डेढ़ हजार वर्ष पहले ये सब एक पुस्तक में एकत्र किया गया और किसने ये कार्य किया ये भी नहीं कहा जा सकता। आज जो मनुस्मृति हमारे पास है वह यही है, और मनुस्मृति इसलिए कही जाती है कि मनु महाराज इसके आदिकर्ता थे। मनुस्मृति में स्वयंभू मनु ने 100,000 श्लोकों में सब नियम बनाए थे। इसी के आधार पर सारे ऋषियों ने भी स्मृतियाँ बनाई। आजकल जो मनुस्मृति है उसमें इतने श्लोक नहीं हैं। इस पुस्तक में राजा तथा प्रजा का धर्म एवं प्रत्येक वर्ण का धर्म बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य को नित्य किस प्रकार सब काम करना चाहिए वह भी इसमें बताया गया है। मनुष्य के जीवन की कोई बात छूट नहीं गई है। आज इसके नियम माने नहीं जाते, किंतु इस पुस्तक से पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारे देशवासी बड़े विचारवान थे। उन्होंने बहुत सोच समझ कर जीवन और जीवन संबंधी सब बातों को ध्यान में रखकर ये नियम बनाए थे। स्वयंभू मनु हमारे आदि पुरुष थे। उनका विवाह शत्रुपा से हुआ था, उन्हीं की हम सब संतान हैं। उन्होंने सोचा कि जब मनुष्य की सृष्टि होगी, मनुष्य का विचार बढ़ेगा, तब रहने के लिए नियम की भी आवश्यकता होगी। बिना नियम के कोई समाज चल नहीं सकता। किस प्रकार रहने से समाज में शांति रहेगी और अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब आवश्यक था। हमारे पूर्वज मनु महाराज ने इन सब बातों पर विचार किया और मनुस्मृति की रचना की। धर्म शब्द का अर्थ भारतवर्ष में केवल पूजा पाठ संध्या वंदना ही नहीं है। धर्म शब्द से उन सब बातों का बोध होता है जो इस जीवन में मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे धर्म के अंदर भोजन, स्नान, उठना बैठना, आचार व्यवहार सभी आ जाते हैं। समाज के वे नियम भी, जिन्हें हम विधान या कानून कहते हैं, धर्म के अंदर आ जाते हैं। इसलिए मनुस्मृति को धर्म शास्त्र भी कहते हैं। द्वितीय अध्याय 1 से 14 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीका। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का प्रथम पद्य। विद्वद भी सेवित सद भी नित्य द्वेष रागी भी हृदयन अभ्यनुज्ञातो यो धर्म तम निबोधत कामात्मता न प्रशस्ता न च इव एह अस्ति अकामता काम्यो ही वेदादिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः। विद्वद भी सेवित सद भी नित्य द्वेष रागी भी हृदयन अभ्यनुज्ञातो यो धर्म तम निबोधतः। निंद्य द्वेष राग आदि से रहित श्रेष्ठ धार्मिक विद्वानों द्वारा सेवन किया हुआ हृदय से अच्छी तरह से ज्ञात जो धर्म है उसे सुनिए। निंद्य द्वेष राग से रहित श्रेष्ठ धार्मिक विद्वानों द्वारा सेवन किया हुआ हृदय से अच्छी तरह से ज्ञात जो धर्म है उसे सुनिए।
दूसरा कामात्मता न प्रशस्ता न चेवे आस्ति अकामता काम्यो ही वेदादिकम कर्मयोगश्च वेदिकः। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी कामना नहीं है ऐसा नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहित कर्मानुसार करना ही काम्य है। प्रस्तुत पद्य में मनु कह रहे हैं कि इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी सभी मनुष्य कामना करते हैं। वेदों का अध्ययन करना और वेदों में जो कर्म बताए गए हैं, वेदों के अनुसार कर्मों को करना ही काम्य है। निंदे राग द्वेष से रहित श्रेष्ठ धार्मिक विद्वानों द्वारा सेवन किया हुआ, हृदय से अच्छी तरह से ज्ञात जो धर्म है उसी सुनिए। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी कामना नहीं है ऐसा नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहित कर्मानुसार करना ही काम्य है। तृतीय एवं चतुर्थ पद्य। संकल्प मूलो मूल कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृता अकामस्य क्रिया काश्चित् दृश्यते न ये कहचित् यद् यदि कुरुते किंचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। संकल्प मूल कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृता। कामना का मूल संकल्प ही होता है, यज्ञ संकल्प से ही होते हैं, व्रत यज्ञ आदि धर्म का आधार संकल्प ही कहा गया है। इस संसार में कामना इच्छा के बिना कोई कर्म नहीं दिखाई देता, कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। संकल्प मूल कामो हो, कामना का मूल संकल्प ही होता है। यज्ञ संकल्प संभवा, यज्ञ संकल्प से ही होते हैं। व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे, व्रत यज्ञ आदि सभी धर्म का आधार संकल्प स्मृता ही कहा गया है। कामना का मूल संकल्प ही होता है, यज्ञ संकल्प से ही होते हैं। व्रत यज्ञ आदि सभी धर्म का आधार संकल्प ही कहा गया है। अकामस्य क्रिया काश्चित् दृश्यते नये कहचित्। इस संसार में अकामस्य कामना के बिना कोई भी कर्म दिखाई नहीं देता है। यत यथि कुरीते किंचित् तत् तत् कामस्य चेष्टितम्। कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। पांचवा, तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छति अमर लोकताम यथा संकल्पितान नश्चय सर्वान कामान समश्नुते। उन शास्त्रोक्त कर्मों में सम्यक प्रकार से लगा हुआ मनुष्य देवलोक को प्राप्त करता है, जैसे इस संसार में उसके संकल्प पूरे होते हैं। तेषु सम्यक वर्तमान, उन शास्त्रों कर्मों में सम्यक रूप से लगा हुआ मनुष्य गच्छति अमर लोकताम, मनुष्य देवलोक को प्राप्त करता है। यथा संकल्पितान चेह, जैसे जैसे सर्वान कामान समुष्णते, यथा जैसे जैसे इस संसार में उसके संकल्प पूरे होते हैं वह मनुष्य देवलोक को प्राप्त करता है। उन शास्त्रों कर्मों में सम्यक प्रकार से लगा हुआ मनुष्य देवलोक को प्राप्त करता है, जैसे इस संसार में उसके संकल्प पूरे होते। छठा, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचारश्च एव साधुनाम आत्मना तुष्टिरेव च। संपूर्ण वेद
और वेदों को जानने वाले मनु आदि को, स्मृति, शील और आचार तथा धार्मिकों की मन संतुष्टि, ये सभी धर्म के प्रमाण हैं। संपूर्ण वेद, वेदों को जानने वाले मनु आदि की स्मृति, शील और आचार तथा धार्मिकों की, साधुओं की मन तुष्टि, ये सभी मूल धर्म के प्रमाण हैं। प्रस्तुत पद्य में मनु मूल धर्म के प्रमाण बता रहे हैं कि संपूर्ण वेद, वेदों के जानने वालों के स्मृतिशील और आचार तथा धार्मिकों की मन तुष्टि, ये सभी मूल धर्म के प्रमाण हैं। सातवां पद्य, यह कश्चित कश्चित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि यः स। जो कुछ किसी के धर्म को मनु ने जैसा कहा है वह सब वेद में कहा हुआ है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स। जो कुछ किसी के धर्म को मनु ने जैसे कहा है वह सब वेद में कहा हुआ है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। सर्वं तु सर्वेक्ष्येदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। दिव्य दृष्टि से इन सबको अच्छी तरह देखकर विचार कर वेद को प्रमाण मानते हुए विद्वान अपने धर्म में निरत रहे। ज्ञान चक्षुषा, दिव्य दृष्टि से इन सबको अच्छी तरह से देखकर विचार कर श्रुति प्रमाण्यतोष वेद को प्रमाण मानते हुए विद्वान स्वधर्मे अपने धर्म में निवेशित वही निरत रहें, अपने धर्म का पालन करें। दिव्य दृष्टि से इन सबको अच्छी तरह से देखकर अर्थात विचार कर वेद को प्रमाण मानते हुए विद्वान अपने धर्म में निरत रहे। नमा पद्य, श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन्ति मानव इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्ये चानुत्तमम सुखम। क्योंकि श्रुति वेद, स्मृति धर्मशास्त्र में निहित धर्म आदि का पालन करने वाला मनुष्य इस लोक में कीर्ति को पाकर परलोक में सुख पाता है। श्रुति स्मृति उदितम, श्रुति वेद, स्मृति धर्मशास्त्र, निहितम उदितम धर्मम अनुतिष्ठन्ति मानव। श्रुति स्मृति में कहे गए उनमें निहित धर्म आदि को करने वाला मानव मनुष्य यह कीर्तिम अवाप्नोति संसार में कीर्ति को प्राप्त करके प्रेत्य चानुत्मम सुखम और परलोक में सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र में निहित धर्म आदि को करने वाला मनुष्य इस लोक में कीर्ति को पाकर परलोक में सुख पाता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थे अर्थेषु मीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्भवो। दसवां पद्य, श्रुति तो वेदो विज्ञेयो, श्रुति को वेद, धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, और धर्म और स्मृति को धर्मशास्त्र जानना चाहिए। श्रुति को वेद और स्मृति को धर्मशास्त्र जानना चाहिए, दोनों सभी विषयों में अतर्क्य हैं, इन दोनों से ही धर्म प्रकट हुए हैं। श्रुति को वेद और स्मृति को धर्मशास्त्र जानना चाहिए, दोनों सभी विषयों में अतर्क्य हैं, इन्हीं दोनों से सभी धर्म प्रकट हुए हैं। ग्यारहवां पद्य, यो अवमन्ये ते मूले हेतु शास्त्र आश्रया द्विज स साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मन एतत् चतुर्विदं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। यो अवमन्ये ते मूले हेतु शास्त्र आश्रया द्विज
साधु भी वैशकार्यो नास्तिको वेद निंदकः। जो द्वि जाति जो द्विज, शास्त्र द्वारा धर्म के मूल दोनों वेद और स्मृति का अपमान करता है, उसे सज्जनों के द्वारा तिरस्कृत करना चाहिए क्योंकि वह वेद निंदक और नास्तिक है। जो द्विज शास्त्र द्वारा धर्म के मूल दोनों वेद और स्मृति का अपमान करता है, उसे सज्जनों को तिरस्कृत करना चाहिए क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक है। बारहवें पद्य में धर्म का लक्षण बताते हुए मनु कहते हैं, वेद स्मृति सदाचार और अपने अपने आत्मा को प्रिय लगने वाला संतोष, ये चार साक्षात धर्म के लक्षण हैं। वेद स्मृति सदाचार और अपने आत्मा को प्रिय लगने वाला संतोष, ये चार साक्षात धर्म के लक्षण हैं। जो द्विज शास्त्र द्वारा धर्म के मूल दोनों वेद स्मृति का अपमान करता है और उसे सज्जनों को तिरस्कृत करना चाहिए क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक है। वेद स्मृति सदाचार और अपने अपने आत्मा को प्रिय संतोष, ये चार साक्षात धर्म के लक्षण। 13वां पद्य, अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानां विधीयते धर्म जिज्ञासमानां मानानां प्रमाणं परमं श्रुति। अर्थ और काम में आसक्त पुरुषों के लिए धर्म ज्ञान का उपदेश है। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने वालों को वेद ही श्रेष्ठ प्रमाण है। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानां विधीयते, अर्थ और काम में आसक्त पुरुषों के लिए धर्म ज्ञान का उपदेश है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति, और धर्म का ज्ञान प्राप्त करने वालों को वेद ही श्रेष्ठ प्रमाण है। 14वां पद्य, श्रुतिद्वयं तु यत्र स्यात् तत्र धर्मौ उभौ स्मृतौ उभौ अपि हि तौ धर्मौ सम्यक् उक्तो मनीषी भी। जहाँ पर दो श्रुतियों में ही विरोध हो, वहाँ पर मनु ने दोनों ही अर्थों को धर्म माना है। महर्षियों ने भी दोनों के कहे हुए धर्मों को धर्म माना है। जहाँ पर श्रुतियों में विरोध हो, वहां पर मनु ने दोनों ही अर्थों को धर्म माना है। महर्षियों ने भी दोनों के कई वे धर्मों को धर्म माना है।